हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और बताइए आप सब कैसे हो। और मैं तो आज मायके जा रही हूँ, और वैसे मैं 8 बजे जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन 8 बजे जो है बारिश आ गई थी, और अब सुबह के 9 बज गए हैं, बारिश रुक गई है, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, तो अब जा रही हूँ। 8 बजे चलती तो अब तक पहुँच जाती। तो चलिए, आज मैं आप सबको भी अपने मायके लेकर चलती हूँ। वैसे कुछ काम तो नहीं था, लेकिन भाभी की तबीयत ख़राब हो रही है, उनसे मिलने के लिए जाना है, तो चलिए आप सबको भी मिलवा कर लाती हूँ। जी राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, और हम सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। और देखिए, मैंने तो आप सबको सरप्राइज दे दिया है, आज मैं अपने मायके आई हुई हूँ। और ये मेरी भाभी गुड्डी है, और ये मेरी भाभी राजेश है। आप सब भी मिल लीजिए और कुछ बात भी कर लिया करो। मेरे सब्सक्राइबर आता है ना, खड़ी रहो बिल्कुल। ये मेरी भाभी ने ना ओम शांति का नाम, जैसे हम कहते राधा स्वामी का नाम ले रखा है, तो ये ओम शांति जो परिवार है उससे जुड़ी हुई है, तो इसीलिए आप सबको ओम शांति बोल रही हैं। और कुछ बता दे अपनी दुकान के बारे में, बता दे तेरी दुकान किसी चल रही है किसी नहीं, देख लो बता दू कहके। बहुत बढ़िया चल रही है, मालिक चलाने वाला ऊपर वाला, हम तो निमित निमित अपनी सेवा कर रहे हैं। अपना चलाने वाला तो वो परम पिता है। कहने का मतलब ये है कि अपना काम तो है कर्म करना, देना ना देना तो परमात्मा के हाथ में है। और मेरी दूसरी भाभी तई बात कर लो, आजा खड़ी हो जा, कुछ तो बतला लिया करे। नहीं कुछ हाय हेलो नमस्ते राम राम के मत करे। ये भी ओम शांति परिवार से जुड़ी हुई है। ये मेरी भाभी यहाँ पर 3 बहने हैं, तो तीनों ही ये ओम शांति परिवार से जुड़ी हुई है। और आप सबको ये भी बता देती हूँ कि आज मैं अचानक कैसे आई। जो देखिए, अब ये मेरी भाभी बुड्ढी है, और ये मेरी भाभी राजेश है, और जो मेरी भाभी मीना है, मेरे ताऊ के बेटे की बहू है, उसके घुटनों का ऑपरेशन हो रहा है, तो मैं उससे मिलने के लिए आई थी कि चलो भाभी का मिल के आती हूँ, पता पूछ के आती हूँ भाई तबीयत कैसी है। तो फिर सोचा कि चलो आप सबको भी अपने परिवार से मिलवा देती हूँ। तो कुछ बोल ले, कुछ बता दे का दिबा दे, किसी के काम करा कर सिलाई का काम कर लो, दुकान संभाल लो, बहुत कमेरी है मेरी भाभी सारी, बहुत ज्यादा काम करा है, जमा कर नहीं लगता, खाली नहीं बैठ सकती है बिल्कुल भी। आप सब हमेशा बोलते हो कि दीदी आप बहुत ज्यादा काम करते हो, मैं तो कुछ भी काम नहीं करती हूँ। अगर मेरी भाभियों का काम करना देख लोगे ना, तो आप सब हैरान हो जाओगे कि इतना काम करती कैसे हैं। और ये वाली मेरी भाभी तो ना आजकल तो बिल्कुल मशीन हो रही है। लोग तो कहते हैं कि मतलब बेटे की शादी कर दी, अब सास आराम से बैठेगी, पर आजकल का जो जमाना है ना, ऐसा आ गया कि बेटियों की शादी कर कर सासों को काम ज्यादा करना पड़ा है। तो पहले तो ये था कि खेत में ही घर था, वहीं पे काम करके, और भाभी आ जाती दुकान पर 9 बजे कुछ। अब मेरी माँ भी और बुढ़ी होती जा रही, वही काम थकता ही जा रहा है शरीर, कुछ वो कर लेती थी। अब खेत में भी करना, सब्जियां वगैरह वो रखी हैं, प्लेज है तो उनका भी काम करना, ये दुकान भी संभालनी, ये लगा लो बिल्कुल सुपर फास्ट गाड़ी हो रही है अब आजकल, ये बहुत काम हो रहा है। मेरे तो 1-2 बिंदी का पत्ता तो दे दे। और अब आई हूँ तो भाभी की दुकान से ले जाती हूँ, और मेरी बिंदिया ना वहाँ पे खत्म हो रही है। ये वाली नहीं देना मेरे को ना, ये मैं पिछली बार ले गई थी, मैंने दूसरी दे दे। और आप सब मेरी भाभी की दुकान देख लो, वही मैं पहले भी दिखाई थी, और मैंने यहाँ से ना कुछ लिया भी है, आप सबको वहीं पे जाके दिखाऊंगी मैंने यहाँ से क्या लिया है। और मैं बोल रही हूँ कि भाभी को पैसे ले लो, पर ये भी पूरी है, पैसे लेने से मना कर रही है। तो बिंदी थोड़ी सी बड़ी दिखा दे, तो आप सब देख लो पूरी दुकान आप सबको दिखा देती हूँ। और वैसे मैं यहाँ पर लगभग 11 बजे पहुँच गई थी, जिस भाभी का ऑपरेशन हुआ है, अब जाते जाते एक बार उनसे मिलूंगी, आप सबको मिलवा दूंगी दोबारा से। उस टाइम पे ना वीडियो बनानी ध्यान में ही नहीं रही, मैं बस मन में नहीं आया कि यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर लूँ, अब जाते टाइम आप सबको मिलवाऊंगी। और मेरी भतीज बहू हैं, आपने पहले भी बोला था कि अपनी भतीज बहुओं से जरूर मिलवाया करो मायके जाओ, तो आज मिलवा दूंगी आप सबको, मैरून कलर की, मैरून। हाँ, अब ये कलर वाली बिंदी है ना, वही फिर सूटों की मैचिंग का काम हो जाता है कि भाई मैचिंग हो।
और मैरून कलर की प्लेन बिंदी होती है, तो जो मर्जी आए रेड मैरून को लगा लेते हैं। तो अभी चलिए चलते हैं, वैसे मैं चलने की तैयारी करी हूँ, लगभग 4 बजने वाले हैं, तो 5:30 बजे से भी चलेंगे तो पहुँच जाएंगे आराम से। तो चलते चलते माँ दूसरी भाभी से मिलवाऊंगी, अपनी माँ से भी मिलवाऊंगी, थोड़ा बहुत खेत खलिहान भी आप सबको दिखा दूंगी। हेलो भाई, मैं दुकान से ना वापस आ गई हूँ। सबसे पहले तो मेरी माँ से ही मिल लो, मेरी माँ यहाँ पर ही आ गई है। और आप लोगों की शिकायत रहती है कि जाते हो तो भतीज बहुओं से नहीं मिलवाते हो। अब क्या करूँ, भतीज बहुए जैसे मैं आऊंगी अपने माई के दौड़ जाए हैं, लेकिन अब की बार फंस रही हैं। तो लो सबसे पहले ना भतीज बहुओं से ही मिलवा देती हूँ, दूसरी साइड जाऊंगी नहीं तो फिर कैमरे पर ना मेरा हाथ आ जाओगा। और बोला कर मेरे सब्सक्राइबर तक गूंगी नहीं बैठना है। देख या तो है मेरी भतीज बहू मेगा, जिसकी शादी में नवंबर में मैं आई थी ना, ये वो भतीज बहू है, तो मिल लीजिएगा। कुछ बोल ले सब ना, मेरी राम राम नू तो बोल ले। हम हरियाणा के है तो हरियाणा वालों की जो मैन भाषा हो ना यह हुआ करे राम राम जी। तो अभी थोड़ी नई नई सी है ना कैमरे ने, देख थोड़ी सी शर्मा जा है, देखिए। वैसे गूंगी तो है नहीं, बोलना तो बतेरा, पर कैमरे ने कसर मार दिया। देख ये है मेरी वो भाभी जिसके गोड्डों का ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ इधर ठीक आ रही है। हेलो, बाय बाय। और इनके ना घुटने का ऑपरेशन हुआ है, नया गोड्डा गला, इनका काफी दिनों से परेशान हो रही थी तो नया घुटना डलवा दिया है। ये है कि ठीक होने में तो टाइम तो लगेगा, लेकिन थोड़ा सा घूमने फिरने लग गई है। तो मिल लीजिए, इनसे मिलने के लिए आई थी मैं। और जब मैं यहाँ पे बैठी थी ना, सोचा था कि वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिर मेरे माइंड से निकल गया था। तो अब वहाँ से वापस आई तो चलो मैं आप सबको दोबारा से मिलवा देती हूँ और मेरी माँ से बात कर लो। मेरी माँ ना कुछ बात नहीं करती है, कुछ मेरी माँ बतलाया कर मेरे सब्सक्राइबर के साथ। देख लो भाई, नू कह सके के बतलाऊं, मेरी सासू वाला काम कर दिया। मैं मेरी सासू से भी कहूँ थी ना कि मखा माँ बात कर लो, उन्हें बोली भी के मैंने सुनेंगे। तो ये जो मेरी माँ बोल रही है ना, वो आप सुनोगे ना, देख लो। सबको मेरी राम राम, बाय बाय। देख ले, जो वीडियो का एंड नहीं हुआ है, मेरी माँ ने बाय कर दिया पहले ही। क्या करे भाई, देख मैंने तो प्रैक्टिस हो रही है बोलने की, अरे इनको है नहीं। तो चलिए एक भतीज भी हो रहा है, उनसे भी मिलवा देती हूँ। याद है मिलवा रखी है मैंने, दीपी तो मिलवाना है, हमारी दीपी की तो गई। ले ये है हमारी दीपी का, जिसकी पिछले साल फरवरी में शादी हुई थी। और देख बिना मेकअप के है बिल्कुल भी। मैं तो मायके में आती हूँ तभी बिना बिंदी के आती हूँ, बिना लिपस्टिक के आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई होते हैं ना, भतीजे होते हैं, थोड़ी सी शर्म लगती है खुद कोई मतलब मेकअप वगैरह करके आने में, इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल आती हूँ। और ये देख हमारी आजकल की वो हुए ना, बिंदी है ना लिपस्टिक है, मतलब कोई मेकअप नहीं है, ऐसे हो रही है जैसे मतलब शादी के 40-50 साल हो जाए ना तब। तो थोड़ा सा आप भी कमेंट्स करके बताइयो कि ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, नई नई बहुए तो थोड़ा सा सजे सवरे सुंदर लगे, तभी प्यारी लगती है ना ऐसे। तो ऐसे मत रहा करो बेटा, थोड़ा सा देख बिंदी बिंदी लगा के रखा करो, तब अच्छी लगती हो। और ये है मेरी भतीजी सीमा, है ना, अभी ये पढ़ रही है। जब कभी मैं अनमेरिड थी ना तब ऐसे ही थी, बिल्कुल पतली पतली सी, मेरे को कोई ये नहीं कहता था कि ये लड़की शादी के लायक होगी। अरे मेरी भतीजी भी ऐसी है, मैं तो ये कहती अभी 5 साल इसकी शादी करनी ही नहीं है, तब तक मतलब खुद के पैरों पर भी खड़ी हो जाए। मैं तो ये चाहती हूँ कि जब ये नौकरी लग जाए ना, जब इसकी शादी करें। और बहुत ही सीधी शादी भतीजी है मेरी, देखिए अभी भी चाय बना कर लाई है, सबको की सेवा में लगी रहती है, ये खाली नहीं बैठेगी कभी भी। कुछ बात तो कर ले मेरे सब्सक्राइबर से, ऐसे ऐसे मुँह मत पोचा कर, कुछ तो बोले। हेलो। हाँ चलो कुछ तो बोल ली। किसके लिए बनाई चाय अब? ताऊ जी के लिए। चल तो जा पिला दे। एक दिन। और भाई अभी मतलब यहाँ से भी अब देखेंगे, खेत में तो वापस नहीं जाऊंगी, और अब वहाँ से जो नया घर बनाया है थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे, फिर पानीपत चलेंगे। पानीपत तो देखो मेरे को पानीपत का रट्टा लग रहा है, मैं इतने साल पानीपत में रही, सोनीपत में रहती हूँ, सोनीपत याद ही नहीं आता है। सोनीपत चलेंगे फिर क्या। तो फ्रेंड्स अब ये लगभग शाम 5 बजे का टाइम है, यहाँ नीचे मम्मी बैठी हुई है, भाभी भी बैठी हुई है,
और इधर मेरी चलने की तैयारी हो रही है, तो भाभी ने एक बड़ा सा थैला सब्जियों का भी भर दिया है, और उधर भतीजा भी आ गया था बाहर से, तो उसी से मैं बात कर रही थी। तो ये है कि अब तो दिन काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, सुबह आई थी, अब शाम को वापस चली जाऊंगी, तो सबसे मिल ली हूँ, सबसे बात हो गई है, मन भी बहुत खुश हो गया है। और अब सबसे मिल के तो अब मैं वापस सोनीपत चलती हूँ, और वहीं पे चल के मैं वीडियो का एंड करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ सोनीपत मैं लगभग 7:15 बजे पहुँच गई थी, और यहाँ आने के बाद फिर मुंह हाथ धो के सबसे पहले मैंने चाय बनाई, और फिर आज का दूध विशाल लेकर आया था, तो फिर मैंने सोचा चाय पीऊँगी, तब तक कुछ दूध गर्म हो जाएगा, तो साथ के साथ मैंने दूध को भी गर्म करने के लिए रख दिया था। और फिर मायके से काफ़ी सारी सब्जियां लेकर आई थी, तो उन्हीं में से मैंने घिया की सब्ज़ी बनाई, और सब्जी बना के फिर आटा लगाया, सबको खाना बना के खिला दिया है। बर्तन मैंने अभी साफ़ नहीं किए हैं, पहले मैंने गैस और स्लेब को साफ़ किया है, और अभी साथ के साथ सबको दूध भी डाल के दे देती हूँ, तो सब अपना दूध भी पी लेंगे, क्योंकि फिर सारे बर्तन मैं एक साथ ही साफ़ कर दूँगी, तो मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और वैसे ज़्यादा बाहर घूमने की हैबिट अब रही नहीं है, सुबह गए थे शाम को वापस आए हैं, तो थोड़ी सी थकावट भी हो गई है, तो अभी सबको दूध डाल के भी मैंने दे दिया है, दही जमा दी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।